हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं फ्रीडम वीडियोस। आज की मैं अपने वीडियो में बताने वाला हूं आपको मिस्ट मेकर के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा था, पिछले करीब हफ्ते भर हो रहे होंगे, हफ्ते से 10 दिन के बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था मिस्ट मेकर का। तो उसमें मैंने बनाया था बिना एक्यूरियम के मैंने मिस्ट मेकर का कुछ डेकोरेटिव आइटम 100 पीस बनाया था, जिसमें मछलियाँ नहीं थी और एक खाली एक्यूरियम मैंने कुछ डेकोरेशन करके मिस्ट मेकर का यूज़ करके दिखाया था। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसको एक्वेरियम में कैसे यूज़ करना है और एक्वेरियम में इसे रखेंगे, एक्वेरियम में फिश रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इन सभी का जवाब और इन सभी बातों को लेके आज मैंने एक नया वीडियो बना दिया मिस्ट मेकर का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात बोल देता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन रेड कलर से होगा तो फिर टच करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप लोग मेरे अगले वीडियो को भी देख पाएँ और मेरे वीडियोज़ देखते रहें और आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलता रहे। जैसे मैंने मिस्ट मेकर का रिव्यू तो आप लोगों को पिछली बार भी दिया था, पर फिर से दिखा देता हूँ। ये सोबो का मिस्ट मेकर है M12L। इसको अगर आप लोगों को ख़रीदना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें लिंक दिया हुआ हूँ, वहाँ पे आप जाके अमेजोन से ख़रीद सकते हैं। एक बार मैं इसे फिर से ओपन करके खोल के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। ये 24 वोल्ट का होता है, इसमें एक अच्छा हैवी एडाप्टर होता है 24 वोल्ट का। फिर इसके साथ में ये होता है मेन मिस्ट मेकर होता है। तो आप लोग सोचते होंगे ये धुआं निकलता है इससे, जो मिस्ट निकलती है वो कैसी होती है, किस टाइप की होती है, इससे कोई केमिकल तो नहीं निकलता, कोई गैस तो नहीं निकलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो एक्वेरियम में नॉर्मल जो भी पानी होता है उसी पानी को भाप में कन्वर्ट करता है और एक ऐसी भाप बनाता है जो कि बहुत बारीक, एक तरीके से कहा जाए तो कोहरा, ये एक तरीके का कोहरा बनाता है, कुछ गाढ़ा कोहरा बहुत भयंकर तरीके से। उसमें उस जो इसकी भाप होती है उसमें नमी होती है, इसके बीच में एक सेंसर लगा हुआ होता है। ये एक इसमें ऐसा सेंसिटिव और इसमें ऐसी सर्किट बनी हुई होती है कि जो कि इसके हिसाब से में जब पानी पड़ता है तो ये पानी को में एक वेव बनाती है और वो ऐसी वेव होती है कि वो वेव एकदम से इतनी तेज उस पर वेव निकलती है कि वो उड़ के मिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये लगभग आप समझ सकते हैं कि जैसे कि स्पीकर होते हैं और रिंगर्स होते हैं, उनमें जो वेव बनती है जब वो बजते हैं तो वो एक अलग उनमें वो होता है, अलग वेव बनती है, साउंड वाली वेव बनती है। और इसमें एक ऐसी वेव बनती है जिससे कि ये वो वेव मिस्ट में बदल जाती है, वो भी कोई चीज़ पड़ती है तो ही मिस्ट बनता है, जैसे कि पानी, लिक्विड। और अगर आप चाहें कि ये ऐसे ही से आप चला देंगे तो इससे मिस्ट निकलने लगेगा तो ऐसा नहीं होता है, कोई इसे केमिकल या कोई धुआं नहीं निकलता है। इसके लिए एक्वेरियम या पानी जरूरी होता है तो ही ये चलता है। और इस चीज़ और बता देता हूँ, इससे कोई फिशेस को कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि जो आपके एक्वेरियम का ही पानी होता है उसी से मिस्ट बनाता है, कोई अदर पानी से नहीं बनाता है। हाँ, बस ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपके एक्वेरियम का पानी सूख सकता है। फिर एक बात इसको आपको एक्वेरियम में यूज़ करने के पहले बता देता हूँ, एक्वेरियम के जो पानी का लेवल है उसको आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और ढक्कन ऊपर, क्योंकि अगर आपका एक्वेरियम का पानी एकदम ऊपर रहेगा तो इससे मिस्ट बनेगी वो आपको दिखाई नहीं देगी और आपको मज़ा नहीं आएगा इसको लगाने में। इसके लिए आपको एक्वेरियम का पानी का लेवल थोड़ा सा कम से कम 2 से 3 इंच का कम कर दिए, इससे ज़्यादा मज़ा आए। तो चलिए, आपको इससे जुड़ी कुछ और जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपकी रिप्लाई करूँगा। और मैं अब इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ हम लोगों को और फिर इसको दिखाता हूँ कि एक्वेरियम में कैसा लगता है और मैंने इसे कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एक्वेरियम के कॉर्नर लेना पड़ेगा या एक कोना, कोई भी कोना ले सकते हैं। तो मैंने एक कोना डिसाइड कर लिया है, उसी कोने में मैं इसे लगाने वाला हूँ। वो ये कोना है जिस तरफ फ़िल्टर लगा हुआ है और फिल्टर की जो लहर होती हैं और जो वो होता है हवा होती है, विंड होती है, जो अगर पंखा वंखा चल रहा है आपके कमरे में तो उससे इसको थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाएगा। तो इसको जहाँ पास लगाइए तो वहाँ पर क्या है ना कि बहुत ज़्यादा हवा नहीं होनी चाहिए और फिल्टर का फोर्स भी थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि फिल्टर के फोर्स की वजह से ये उड़ जाएगा। इसको आपको लगाने के लिए थोड़ा जुगाड़ की ज़रूरत पड़ सकती है। इसको आपको लगाने के पहले एक चीज़ का ध्यान देना है, ये कहाँ पे लगेगा एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ये पानी के ना ही एकदम नीचे लगेगा ना ही पानी के एकदम से ऊपर लगेगा, मतलब सिर्फ इतना ही आपको डुबोना है जितने में सेंसर डूबा रहे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको इसका प्लग लगा देना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी ये पानी के थोड़ा सा ज़्यादा अंदर है तो इससे कोई भी तरह की मिस्ट नहीं बन रही है और ना ही ये काम कर रहा है, लेकिन इसे जैसे ही थोड़ा सा पानी के ऊपर कर देते हैं और इस सेंसर और पानी में थोड़ा सा गैप आता है, जब ज़रा सा जब गैप रह जाता है तो तैसे ही ये मिस्ट बनाना शुरू कर दे रहा है।
जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसने मिस्ट बनानी शुरू कर दी है और धीरे धीरे एक्वेरियम के अंदर धुआं भी निकल रहा है। और इसको पूरा भरने में और थोड़ा सा कंप्लीट होने में करीब 10 मिनट का टाइम लगता है, तो चलिए 10 मिनट का वेट करते हैं अपन लोग। एक सबसे मेन चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, इसको हैंग करने के लिए आपको एक GI तार का टुकड़ा लेना पड़ेगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और इसमें एक यहाँ पे ये इसे हैंग करने के लिए कंपनी की रबड़ लगी हुई है, इसको आप नीचे पुफ करके ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। और इसे आप अपने एक्वेरियम के टॉप में अपने एक्वेरियम के कॉर्नर में हैंग कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे करके आप चेक कर सकते हैं मिस्ट को कि ये कितने में सबसे बढ़िया मिस्ट बना रहा है, उतने में ही आपको इसे सेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये मिस्ट अभी पूरे एक्वेरियम में धीरे धीरे फैल रही है और ये धीरे धीरे बढ़ती हुई और अपने एकदम जितना पानी खाली है वो पूरे गैप को कवर कर लेगी। और अगर आप इसके टॉप का कवर करके रखेंगे इसके टॉप को तो ये उतना ही जल्दी कवर करेगा और ये उड़ेगा नहीं। तो देखिए मैंने इसे हैंग कैसे किया है, इसके ऊपर एक रबड़ लगी हुई होती है, उसे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं प्लास्टिक की और उसके हिसाब से इसको हैंग कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे मैंने एक GI तार भी बांध दिया है, थोड़ा सा लगा दिया है, जिसको मैंने पीछे तरफ कर दिया जैसे कि टर्टल स्टैंड होता है। और आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे मिस्ट निकाल रहा है जैसे कि मैंने बताया था, और काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है, कुछ डिफरेंट टाइप से लग रहा है। मतलब कि ठंडी के टाइम में अगर आप इसे लगाते हैं और अपने एक्वेरियम में यूज़ करते हैं तो कोई आपका एक्वेरियम देखेगा या कभी कोई आपके घर आता है और देखता है आपके एक्वेरियम तो कहेगा वाह क्या बात है, ये क्या चीज़ है। लोग पूछते रह जाएंगे कि आपने ये क्या डेकोरेशन किया है और कैसे किया है। तो आप लोगों को अगर ये चाहिए हो और इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे पास भी एक पीस पड़ा हुआ है, तो किसी को चाहिए हो तो ले सकता है। और अगर आप यहाँ लोकल एरिया के नहीं है, मेरे को नहीं जानते हैं, तो आप ऑनलाइन लिंक दिया हुआ हूँ अमेजोन की, आप वहाँ से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक करना, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और आपने मेरा वीडियो पहली बार देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।